कुछ मैंने अच्छी रेखाएं बताई, तो जाहिर सी बात है खराब भी रेखा लोगों के हाथों में होती है। लोगों को संघर्ष भी बहुत करना पड़ता है। लोग पूछते भी हैं, पंडित जी ये बताइए कौन सी रेखाएं ऐसी होती हैं जिनके कारण जीवन में संघर्ष होता है, या फिर कह लीजिए कि जिनको मैं देख सकूं और अपने संघर्षों को मैं कम कर सकूं, या फिर जो है सचेत रहूं। तो ऐसी कुछ रेखा बताता हूं। बहुत लोग कहते हैं पंडित जी मेरे काम रुक जाते हैं, बनते नहीं हैं, या फिर कह लीजिए कि एक नॉर्मली अगर देखा जाए तो हर आदमी के काम 100% किसी का काम नहीं बनता है। हाँ ये है कि 100 में से 70% 80% वो तो ग्रहों का खेल है कि 80% बनेगा 70% बनेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं पंडित जी मेरा 5% भी काम नहीं बनता, 10% भी नहीं बन पा रहा है। तो वो कौन सी रेखाएं होती हैं जो जीवन में पूर्णता संघर्ष दिखाती हैं? आइए मैं कुछ रेखाओं को आपको बताता हूँ। ये भाग्य रेखा, भाग्य रेखा जब ऐसे करके चले तो दिक्कत वाली बात है। ऐसे लोगों का भाग्य रेखा जैसे लहरदार चल रही है, वैसे उनका भाग्य भी जो है लहरदार होता है। मतलब 24 घंटे में 18 घंटा मेहनत कर रहे हैं और मेहनत का फल उस हिसाब से नहीं मिल पा रहा है कि जिस हिसाब से वो मेहनत कर रहा है, या फिर फाइनल स्टेज पे पहुंचने के बाद काम खराब हो जा रहा है। कहते हैं लोग कि पंडित जी यहाँ बिल्कुल फाइनल होने वाला था, तब तक काम जो है खराब हो गया। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूं। ये ऐसी रेखाएं हैं जो आदमियों के हाथ पे रहें या जातकों के हाथ पे रहें, थोड़ा सा सचेत हो जाइए। अब ये भाग्य रेखा, जीवन रेखा और हृदय रेखा मैं आपको बता चुका हूं। थोड़ा सा समझाने के लिए मैं आपको स्पष्ट जो है सीधे सीधे बताता हूं। अगर भाग्य रेखा टूट रही है, अगर भाग्य रेखा टूट रही है, बीच बीच से टूट जा रही है भाग्य रेखा, तो ये भी दिखाता है कि आदमी का भाग्य उस हिसाब से काम नहीं कर रहा है कि जिस हिसाब से आदमी को फल मिलने चाहिए। या फिर कहिए कि एक वो होता है पहाड़ पे, पहाड़ की चोटी पे पहुंच के आदमी जो है फिसल के नीचे आ जाता है, चढ़ गया ऊपर तक लेकिन फिर फिसल के नीचे आ गया। कुछ रेखा मैं आपको और बताता हूँ। कुछ लोगों की रेखाएं जो हैं ऐसे करके चेन नुमा होती हैं, भाग्य रेखा खूब चेन टाइप की होगी, इसमें चेन टाइप का बना होगा। ऐसे लोग अपने जीवन को अपनी बीमारियों में ही निकाल देते हैं, जीवन में कुछ नहीं कर पाते हैं, उसका मेन कारण होता है उनकी बीमारी। अगर इसमें जो है जीवन रेखा में भी बन रहा है तो ऐसे लोग जीवन में कहीं तरक्की नहीं कर पाते हैं। ये बहुत दुखद रेखाएं हैं जिसको कहते हैं पीड़ादायी रेखाएं, जो वास्तव में पीड़ा देती हैं, ये उन रेखाओं में से एक है। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूं कि जो जीवन में तरक्की के लिए बाधक हैं, जिनके कारण जीवन में तरक्की नहीं हो पाती है। ये हमारी शुक्र रेखा है। शुक्र रेखा से रेखाएं निकलें और हमारी भाग्य रेखा को काटें। शुक्र रेखा से हमारी रेखा निकल के भाग्य रेखा को काटें। ऐसे में ये कहा जाएगा जातक और उस पे मंगल, जो निचला मंगल होता है, ये ऊपरी मंगल यहाँ पर, ये निचला मंगल, निचला मंगल से कई रेखाएं आपकी निकल रही हैं। तो ये कहा जाएगा जातक अपने परिवार की वजह से, अपने भाइयों की वजह से और अपने पत्नी पक्ष की वजह से जो है कहीं ना कहीं उसकी प्रगति में जो है दिक्कतें आएंगी, विकास नहीं हो पाएगा, उसका काम का जिस हिसाब से चल रहा था और कहिए विवाह के बाद जो है ठप पड़ गया है। ये वो रेखाएं हैं, काट दे रही हैं तो नुकसानदायक रेखाएं हैं। कुछ रेखाएं मैं आपको और बताता हूँ जो इनसे ही संबंधित हैं। जीवन में हर आदमी धन कमाना चाहता है, हर आदमी चाहता है। बहुत लोग कहते हैं जीवन में धन धन का मतलब ना के बराबर, लेकिन धन ही सब कुछ है। आज के युग में कुछ नहीं है धन तो बहुत कुछ है धन। अगर बहुत लोग कहते हैं कुछ नहीं है धन, मतलब बहुत कुछ है धन। कुंडली और आपके हाथ भी समय के हिसाब से परिवर्तन होते जा रहे हैं। आज की डेट में कुंडली का मजबूत होना बहुत आवश्यक है। कारण ये है जिस हिसाब से स्ट्रगल बढ़ रहा है, लोगों की इच्छाएं बढ़ रही हैं। पहले के ज़माने में होता था कि शिक्षा नहीं है आपके भाग्य में,
आज की डेट में आदमी लड़खड़ाते नकल मारते ऐसे वैसे करके पास हो जाता है, BA MA कर लेता है, उसके बाद बेरोजगार होके घूमता है, कंपटीशन में आ जाता है। चलिए कुछ रेखाएं और बताता हूँ। ये रेखाएं ऐसी हैं कि जिनका वास्ता सीधे सीधे हमारी प्रतिष्ठा को लेके, हमारे धन को लेके और कहीं ना कहीं हमारी मान सम्मान को लेके, ठीक है, इन सभी चीज़ों को ये दिखाती हैं। अच्छा, पर्वत समझ लिया, अगर शुक्र का पर्वत है, शुक्र का पर्वत ये है, अगर ये दबा हुआ है तो भी दिक्कत परेशानियां हैं, तो भी समस्याएं हैं। सूर्य रेखा, टूटी हुई सूर्य रेखा और राहु में गड्ढा है, ये राहु का पर्वत, इस जगह पे राहु का वास होता है जो हमारा सेंटर होता है। अगर ये गड्ढा है, आप ऐसे करके देखिएगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि गड्ढा है, गड्ढा सबका होता है, अगर ज़्यादा नहीं है गड्ढा, अगर ज़्यादा है तो दिक्कत, राहु के पर्वत के अंदर अगर सूर्य रेखा जा रही हो टूटी हुई तो दिक्कत वाली बात है।